डियर चिल्ड्रेन, मैं दुराचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हम लोगों को कई बार बुक से ऐसी कहानियाँ मिल जाती है जो हम लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। इसी तरह की आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस कहानी में क्या कुछ दिया हुआ है। यह है चैप्टर 14 और ये क्लास 5 का इंग्लिश बुक है। गोल्डन डियर, सोने का हिरन या सुनहरा हिरन ऐसे कह सकते हैं इसको। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सुधाकर वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। सुधाकर अपने माता पिता का एक लौता पुत्र था। हिज पेरेंट्स वेयर वेल टू डू। उसके माता पिता काफ़ी धनी थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन ग्रेट लग्जरी। उन लोगों ने उन्हें बहुत ही शान शौकत से पाला था। हिज ऑल विशेस वेयर फुलफिल्ड। वे लोग उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करते थे। ही गॉट लव एंड केयर लाइक ए प्रिंस। उन लोग उसका ध्यान इस प्रकार से रखते थे जैसे किसी राजकुमार का रखा जाता है। हिज पेरेंट्स वेयर वेरी लेबोरियस। उसके मम्मी पापा बहुत ही मेहनती थे। ही वॉज प्रोवाइडेड ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। उसके मम्मी पापा उसको हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सुविधा दे के रखे थे। वैन ही ग्रेव अंग ही हैड मैनी फ्रेंड्स। जब वह बड़ा हो गया, यंग हो गया, तो उसके कई सारे दोस्त हो गए। ही नेवर ट्राइड टू डू एनी वर्क इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। विद द पासिंग ऑफ टाइम हिज पेरेंट्स डेड। समय बीतने के साथ उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। देर वॉज नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम। उसके पास इनकम का कोई भी स्रोत नहीं रहता है, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं रहता। हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट ए लॉट ऑफ मनी बिहाइंड देम। वे लोग अपने पीछे काफ़ी सारा धन छोड़ के चले जाते हैं अपने बेटे के लिए। ही स्पेंट दैट मनी फॉर हिज फ्रेंड्स हु ऑलवेज सराउंडेड हिम। वो अपने दोस्तों पे जो उनको हमेशा घेरे रहते थे उन पे वो खर्च करते गया। हिज फ्रेंड्स प्रेज्ड हिम फॉर हिज लग्जरियस लाइफ। उसके दोस्त लोग जो थे उनके शान शौकत वाली ज़िंदगी देखकर उसका प्रशंसा करते थे और उनके पीछे वो खर्च करते जाता था। बट विद इन टू ईयर्स ही हैड नो मनी टू स्पेंड। लेकिन दो साल में उसके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं बचे। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब दोस्तों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। सुधाकर वांटेड टू इंटरटेन हिज फ्रेंड्स। सुधाकर चाहता था कि वह अपने दोस्तों का मनोरंजन कर सके। ही डिड नॉट वांट दैट हिज फ्रेंड शुड लीव हिम। वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसको छोड़कर चले जाए। ही चोज अनदर वे ऑफ गेटिंग मनी। उसने पैसे पाने का एक दूसरा रास्ता निकाला। ही मेट मनी लेंडर्स टू बोरो मनी। वह कर्जदारों से जो कर्ज के रूप में रुपये देते थे उन लोगों से मिला और उनसे रुपये मांगा। दे लेंट हिम मनी विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसे किसी भी समस्या के पैसे जो है उधार में मिल गया, कर्ज के रूप में पैसे मिल गया। वंस अगेन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी केयरलेसली। और फिर से वह पैसे लापरवाही से खर्च करने लगा। सून ही वॉज इन ग्रेट डेब्ट। और बहुत जल्द ही वह बहुत बड़े कर्जे में डूब गया। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न द मनी ऑफ मनी लेंडर्स। यह उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था कि वह कर्जदारों के रुपये चुका सके। नो वन वॉज रेडी टू गिव हिम मनी। अब कोई भी उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। ऑल हिज फ्रेंड्स डेजर्टेड हिम वैन ही हैड नो मनी। उसके सभी दोस्त उसको छोड़ दिए जब उसके पास पैसे नहीं थे। ही वॉज अलोन इन लाइफ। अब वह जीवन में अकेला हो गया, कोई भी उसका दोस्त नहीं रहा। द मनी लेंडर्स वॉन्टेड देयर मनी बैक। अब कर्जदार जो थे उनसे अपने पैसे वापस चाहते थे। दे कैम टू हिज हाउस फ्रिक्वेंटली। अब उन लोग उसके घर बार बार आने लगे पैसे मांगने के लिए। सुधाकर वॉज सेट एंड असैम्ड। अब सुधाकर बहुत ही दुखी, बहुत उदास और शर्मिंदा था। वन डे ऑल मनी लेंडर्स कैम टूगेदर फॉर देयर मनी। एक दिन सभी कर्जदार उसके घर एक साथ आ गए। दिस सिचुएशन वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू हैंडल। यह स्थिति उसके लिए संभालना बहुत ही मुश्किल था। ही वॉज हेल्पलेस। वह असहाय हो गया, उसको कोई मदद करने वाला नहीं था। ही आस्क्ड देम टू फॉलो हिम। तो उसने उन लोगों से कहा कि चलो मेरे साथ आओ। ऑल मनी लेंडर्स फॉलोड हिम। सभी कर्जदार उसके पीछे पीछे चलने लगे। ही क्लाइम्ड ऑन ए हिल। वह एक पहाड़ी पे चढ़ गया। फ्रॉम द पिक ऑफ द हिल सुधाकर जंप्ड। और उस पहाड़ी के चोटी से वह नीचे कूद गया। ही फेल इन टू द रिवर फ्लोइंग डाउन। वह नीचे बहती हुई नदी में कूद गया। देर वॉज ए लॉर्ड स्लैप्स। और वहाँ नदी में जैसे ही कूदा तो वहाँ छपाक से बहुत जोर से आवाज़ हुआ।
दे वेटेड फॉर सम टाइम बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम। उन लोगों ने वहाँ पे कुछ देर इंतजार किया लेकिन उनके उसके होने का कोई भी संकेत नहीं मिला, कोई भी साइन नहीं मिला। दे थॉट दैट ही वॉज डेड एंड वेंट बैक होम। उन लोगों ने सोचा कि वह मर गया और वे लोग सभी अपने घर वापस आ गए। सुधाकर वॉज वेरी लक्की। सुधाकर बहुत ही भाग्यशाली था। ही डिड नॉट डाई इन इट। वह इससे मरा नहीं। ए गोल्डन डियर वॉज ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एक सोने की हिरन वहाँ नदी में पानी पी रहा था। ही हियर्ड द लाउड साउंड। उसने बहुत ही तेज आवाज़ सुना। ही जम्प्ड इन टू द रिवर एंड पुल्ड सुधाकर आउट। वह नदी में कूद गया और सुधाकर को खींचकर नदी से बाहर निकाल लिया। द डियर आस्ट। और वह हिरन उससे पूछता है, हाउ डिड यू फॉल इन टू द रिवर, कि तुम नदी में कैसे गिर गए। सुधाकर सेड। सुधाकर जवाब दे रहा है, आई डिड नॉट फॉल। मैं गिरा नहीं। आई जम्प्ड इन टू द रिवर। मैं नदी में कूद गया था। वाई डिड यू जम्प इन टू द रिवर। तुम नदी में क्यों कूद गए। आई डोंट वॉन्ट टू लिव मोर। मुझे और जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। वॉट इज द काउज। क्या कारण है, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो। टेल मी एवरीथिंग सो दैट आई मे डू समथिंग फॉर यू। कि मुझे सब कुछ बतलाओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। आई एम ग्रेट डेब्ट। मैं बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिटर्न द मनी ऑफ माई मनी लेंडर्स। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं अपने कर्जदारों को रुपये वापस कर सकूँ। यू हैव गॉट ए चांस। तुम्हारे पास एक मौका है। यू शुड गो बैक एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ। तुम वापस जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। आई कैन नॉट शो माई फेस टू एनी वन इन द सोसाइटी। मैं अपना चेहरा अपने समाज में किसी को भी दिखा नहीं सकता। मैं वैसी स्थिति में नहीं हूँ। आई एम गिविंग यू वन ऑफ माई गोल्डन हॉर्न्स। मैं तुम्हें अपना एक सोने का सींग देता हूँ। सेल इट टू ए गोल्ड स्मिथ। इसे किसी भी सोनार के पास बेच दो। रिटर्न द मनी ऑफ योर मनी लेंडर्स। और अपने कर्जदारों के रुपये चुका दो। आई थैंक यू फॉर काइंडनेस। मैं आपके इस दया के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आई सेल नेवर फॉरगेट इट। मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। यू शुड प्रोमिस दैट यू विल नेवर टेल एनी वन अबाउट दिस इंसिडेंट। तुम ये वादा करो कि यह घटना के बारे में तुम किसी से भी बातचीत नहीं करोगे, किसी को भी नहीं बताओगे। सुधाकर रिटर्न द मनी ऑफ मनी लेंडर्स। सुधाकर ने कर्जदारों के रुपये वापस कर दिए। ही स्टार्टेड वर्किंग इन किंग्स पैलेस। वह राजा के महल में काम करना शुरू कर दिया। द गोल्ड स्मिथ गिफ्टेड दैट गोल्डन हॉर्न टू द किंग। सोनार ने हिरन के सिंह को तोहफे के रूप में राजा को दे दिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट। राजा यह पाकर बहुत ही खुश हुआ। द क्वीन ऑल्सो सो इट। रानी भी इसको देखी। सी वॉज इनहेंटेड बाय इट्स ब्यूटी। वह इसके सुंदरता को देखकर काफ़ी प्रभावित हुई। सी थॉट इफ द हॉर्न वॉज सो ब्यूटीफुल द डियर मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल। वह उस सिंह को देखकर सोची कि अगर सिंह इतना सुंदर है तो निश्चित रूप से वह हिरन भी बहुत सुंदर होगा, इससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। सी विश टू पोजेज द गोल्डन डियर। वह उस गोल्डन डियर को पाने की इच्छा की। द किंग अनाउंस्ड। राजा ने घोषणा कर दिया, एनी वन हु विल ब्रिंग द गोल्डन डियर ही विल बी गिवन मच रिवार्ड। राजा ने घोषणा किया कि कोई भी व्यक्ति गोल्डन डियर को अगर लाता है तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हियरिंग दिस अनाउंसमेंट सुधाकर फेल्ट विथ ग्रीड। यह घोषणा सुनकर सुधाकर लालच में पड़ गया। ही फॉरगॉट द प्रोमिस। वह अपना वादा भूल गया। ही वेंट टू द किंग एंड सेड। वह राजा के पास गया और कहा, आई नो अबाउट द गोल्डन डियर। मैं जानता हूँ उस सुनहरे हिरन के बारे में। आई कैन लीड यू टू द एग्जैक्ट स्पॉट। मैं आपको बिल्कुल सही जगह पे ले जा सकता हूँ जहाँ पे वो हिरन मिलेगा। नेक्स्ट डे सुधाकर वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर। अगले दिन सुधाकर उस नदी के किनारे पर चला गया। द किंग एंड सम सोल्जर्स वेयर विथ हिम। और राजा और उसके कुछ सैनिक उसके साथ साथ चले। द गोल्डन डियर वॉज बिजी इन ग्रेजिंग ग्रास। सुनहरा हिरन घास चरने में व्यस्त था। वैन ही सॉ सुधाकर ही बिकेम वेरी हैप्पी। जब उसने सुधाकर को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। ही वेंट नियर हिम। वह उसके पास गया। सडनली मैनी सोल्जर्स सराउंडेड द गोल्डन डियर फ्रॉम ऑल साइड्स। और अचानक कई सारे सैनिक उसको चारों ओर से घेर लिया। दे कैप्चर द गोल्डन डियर एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग।
उन लोगों ने उस सुनहरे हिरण को पकड़ लिया और राजा के पास ले आया। द गोल्डन डियर वॉज एनॉयड विद सुधाकर। वह सुनहरा हिरण सुधाकर से नाराज था। ही सेड टू द किंग एवरीथिंग अबाउट सुधाकर। वह राजा से सुधाकर के बारे में सारा कुछ कह सुनाया। द गोल्डन डियर सेड सुनहरे हिरण ने कहा आई सेव्ड हिज लाइफ मैंने इसके जीवन को बचाया। बट ही हैज ब्रोकन हिज प्रोमिस लेकिन इसने अपना वादा तोड़ दिया। इन दिस कंडीशन हु विल हेल्प ए नीडी पर्सन भला ऐसी सिचुएशन में कौन एक जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करेगा। द किंग टर्न टू सुधाकर एंड सेड राजा सुधाकर की तरफ मुड़ा और कहा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। यू वॉन्ट टू बिट्रे द लाइफ ऑफ दैट हु सेव्ड योर लाइफ तुमने उसके साथ विश्वासघात किया है जिसने तुम्हारे जीवन को बचाया। यू हैव नो राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। द गोल्डन डियर रिक्वेस्टेड गोल्डन डियर ने रिक्वेस्ट किया उनसे आग्रह किया प्लीज फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक कृपया कर इसके गलती के लिए इसे माफ़ कर दें। डू नॉट पनिश हिम इसे दंड न दें। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड विद द काइंडनेस ऑफ द गोल्डन डियर राजा स्वर्ण मृग से उनके दया भाव से काफ़ी प्रभावित था। ही आस्ट व्हाट इज योर विश और राजा ने गोल्डन डियर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। द गोल्डन डियर सेड तो गोल्डन डियर ने कहा आई वॉन्ट मैन एंड एनिमल शुड लिव पीसफुली मैं चाहता हूँ कि आदमी और जानवर एक साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहे। दे शुड हेल्प इच अदर वे एक दूसरे की मदद करें। एनिमल्स हेल्प मैन इन मैनी वेज जानवर मनुष्यों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। मैन शुड ऑल्सो बी काइंड टू एनिमल्स मनुष्यों को भी जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दे शुड नॉट हार्म द एनिमल्स एंड बर्ड्स उन्हें जानवरों और पक्षियों को नहीं मारना चाहिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द किंग अप्रिशिएटेड द गोल्डन डियर एंड रिटर्न द पैलेस राजा ने गोल्डन हिरन की सराहना की और महल की ओर लौट चले। और यहाँ पे यह कहानी समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे इस चैप्टर का कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आप इसे पढ़कर याद कर लेंगे। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आंसर दिस क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन वर्ड जो दिया हुआ है उसको देखकर ब्लैंक्स को भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो वर्ड्स दिया हुआ है जिससे सेंटेंस बनाना है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स। और क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स जो लिखा हुआ है उसको फुल फॉर्म में बनाना है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस हाउ डिड सुधाकर स्पेंड हिज चाइल्डहुड स्पेंड इन ग्रेट लग्जरी ही गॉट लव एंड केयर लाइक ए प्रिंस व्हाई डिड सुधाकर बोरो मनी। सुधाकर वॉन्टेड टू एंटरटेन हिज फ्रेंड्स ही डिड नॉट वॉन्ट दैट हिज फ्रेंड्स शुड लिव हिम सो ही बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। व्हाट डिड सुधाकर डू व्हेन ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न मनी इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिटर्न मनी फॉर हिम ही क्लाइम्ड ऑन ए हिल एंड जम्प्ड इन टू द रिवर। हाउ डिड सुधाकर पे बैक हिज डेब्ट ए गोल्डन डियर सेव्ड हिज लाइफ सी हेल्प्ड हिम टू गिविंग वन ऑफ हर गोल्डन हॉर्न्स सुधाकर सॉल्ड इट एंड पेड बैक हिज डेब्ट। Why did Sudhakar break his promise? The king announced that anyone who would bring the golden deer, he would be given much reward. Hearing this, Sudhakar felt greed and broke his promise. Why was the king impressed with the golden deer? The king was impressed with the kindness of the golden deer. Question number 2 में true false दिया गया है और इसका यहाँ पे direct answer दिया गया है। Question number 3 में भी फिल इन द ब्लैंक्स जो उसमें वर्ड्स दिया हुआ है उसको चुन करके भरना है तो यहाँ भी उसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग मैच करने के लिए कहा गया है कॉलम ए से कॉलम बी का तो यहाँ उसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है इसको देखकर आप लोग अपने बुक में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे मैक्स सेंटेंसेस यहाँ पे वाइक बनाने के लिए कहा गया है और यहाँ पे वाइक बना दिया गया है आप इसको देखकर वाइक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में और फुल फॉर्म लिखने के लिए कहा गया था, शॉर्ट में लिखा हुआ है वहाँ पे वर्ड और उसको फुल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।